स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास का जो थर्ड चैप्टर है फाइव लिटिल ब्रदर्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम वर्डनी देखते हैं। फील, फील मीन्स होता है महसूस करना। इंटायर डे, इंटायर डे होता है सारा दिन। और सफोकेट, सफोकेट होता है दम घुटना। कैरियस, कैरियस मीन्स गाड़ी। सेट आउट, सेट आउट मीन्स बाहर जाना। और लाइव लॉन्ग डे, लाइव लॉन्ग डे होता है सारा दिन। क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स अजीब तरह का, असामान्य। उसके बाद में फिर दोबारा आ गया कैरियस मीन्स फिर गाड़ी। वी, वी मीन्स होता है छोटा। टू, टू मीन्स भी। और रूमी, रूमी होता है विशाल, बड़ा। नेक्स्ट है ग्लोमी, ग्लोमी होता है उदास होना। पाउट, पाउट मीन्स उदास चेहरा। टिल, टिल मीन्स तक। और विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है फुसफुसाना। रन अवे, रन अवे होता है भाग गए। स्कैम्पर्ड, स्कैम्पर्ड होता है हल्के कदमों से चलना। स्पैड, स्पैड मीन्स तेज गति से चलना। और ट्वेज, ट्वेज मीन्स होता है यह था। तो ये तो थे आज की आपके वर्ड मीनिंग, और अब हम इसकी पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाउ वुड यू फील, आपको कैसा लगेगा। इफ यू वर, यदि टू स्टे इन रूम, आप एक रूम में ठहरो, फॉर एन एंटायर डे सारा दिन, आप कैसा महसूस करोगे यदि आप पूरे दिन के लिए एक रूम में ठहरोगे। रीड दिस पोइम अबाउट फाइव लिटिल ब्रदर्स। तो आओ इस पोइम में पढ़े जिसमें क्या बताएंगे, फाइव लिटिल ब्रदर्स हु फेल्ट सफोकेटेड इन ए लेदर कैरियज। सफोकेटेड होता है दम घुटना, और लेदर का मतलब होता है जो लेदर का, और कैरियज का मतलब होता है गाड़ी। जो एक जो लेदर की गाड़ी है उसके अंदर जो है सारा दिन वो बिताते हैं। फाइव लिटिल ब्रदर्स सेट आउट टुगेदर, सेट आउट मतलब निकल पड़े बाहर जाना। फाइव ब्रदर्स वो निकल पड़े टू जर्नी ए लाइव लॉन्ग डे, लाइव लॉन्ग डे होता है सारा दिन की यात्रा पर वो पांच भाई चल पड़े। इन ए क्यूरियस कैरियस, क्यूरियस होता है अजीब, और कैरियस होता है गाड़ी। एक अजीब गाड़ी में ऑल मेड ऑफ लेदर, जो किससे बनी हुई थी, सारी लेदर से बनी हुई थी। दे हरिड अवे एंड अवे, अवे एंड अवे, हरिड अवे एंड अवे होता है जल्दी जल्दी से चलना, वे जल्दी जल्दी से चले। वन बिग ब्रदर, एक बड़ा भाई। थ्री क्वाइट स्मॉल, और बाकी जो है तीन छोटे भाई। एंड वन वी फेलो, वी होता है छोटा, और छोटे ने भी उन सभी का क्या किया, पीछा किया। नो साइज एट ऑल, द कैरियज वॉज डार्क, दो गाड़ी कैसी थी वो डार्क कलर की थी। एंड नॉन वॉज रूमी, रूमी होता है विशाल, और ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। एंड दे कुड नॉट मूव अबाउट, वो मूव नहीं सकते थे। द फाइव लिटिल ब्रदर्स, फाइव लिटिल ब्रदर ग्रू वेरी ग्लोमी, ग्रू होता है बड़े होना, और ग्लोमी होते हैं उदास। वो पांचों भाई क्या हो गए, उदास हो गए। एंड वी वन बिगेन टू पाउट, पाउट का मतलब होता है उदास, और उनमें से छोटा भाई वो भी क्या हो गया, पांचों भाइयों को देखकर क्या हो गया, उदास हो गया। टिल द बिगेस्ट, बिगेस्ट होता है सबसे बड़ा। वन विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है फुसफुसाया, उनमें से सबसे बड़ा था वो फुसफुसाया। व्हाट डू यू से, आप क्या कहना चाहते हो। लेट्स लीव द कैरियज एंड रन अवे, आओ इस गाड़ी को छोड़ कर रन अवे भाग जाए। सो आउट दे स्कैम्पर्ड, स्कैम्पर्ड होता है हल्के कदमों से चलना। वे हल्के कदमों से बाहर चले गए। द फाइव टुगेदर, पांचों भाई। एंड ऑफ, ऑफ होता है बंद करना। एंड दे स्पैड, स्पैड मीन्स यहाँ पे है स्पीड, कि वो जितनी तेजी से हो सकते थे अपनी तेज गति से वो वहां से चल पड़े। व्हेन समबडी फाउंड द कैरिज ऑफ लेदर, जब किसी को वो लेदर की गाड़ी मिली। ओ माई, अरे। हाउ ही लुक, हाउ ही शुक हर हेड, शुक होता है हिलाना, हेड होता है सिर, उसने अपना सिर हिलाया। ट्वाइस, ट्वाइस होता है इट वॉज, इट मीन्स यह था। हर ए लिटिल बॉय शूज, ये क्या था, एक छोटे बच्चे का शूज था। एज एवरीवन नो, जैसे कि सभी जानते हैं, न्यूज होता है जानना।
एंड द फाइव लिटिल ब्रदर्स, और पांचों छोटे भाई वर लिटिल टॉज। लिटिल टॉज क्या होती हैं, पैर की उंगलियां, और 500 भाई क्या थे, वो जूते के पैर की उंगलियां थे। तो ये तो थी आज की पोइम, और इसके बाद में इसके जो ऑप्शंस हैं वो हम देखते हैं। पहला, द कैरियर्स वॉज मेड ऑफ, तो किससे बनी हुई थी कैरियर्स, वो बनी हुई थी लेदर से। सेकेंड, आउट ऑफ डैश, आउट ऑफ फाइव डैश ब्रदर वॉज क्वाइट स्मॉल, आउट ऑफ थ्री, इसमें क्या आएगा, आउट ऑफ थ्री द ब्रदर्स ग्रू डैश इन साइड द कैरियर्स, तो द ब्रदर्स ग्रू ग्लोमी। द फाइव लिटिल ब्रदर्स वर, फाइव लिटिल ब्रदर्स क्या थे, वो टॉस थे। तो ये थी आज की पोइम। अब आपने इस पोइम को सबसे पहले इसकी रीडिंग करके देखनी है, और उसके बाद में जो है इसके वर्ड मीनिंग और जो टिक द करेक्ट है उनको लर्न करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।